तो हम लोग सीख चुके हैं कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जितने भी पार्ट्स हैं, उदाहरण के लिए 5 x^4 − 3 x^3 × 7 − 8 / 4, मान लो इतने सारे टर्म हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी हिस्से प्लस और माइनस साइन से अलग किए गए हों उन्हीं को टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस आया, तो माइनस आने का मतलब हुआ कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को दोनों ये माइनस अलग कर दिया। यहाँ पर फिर माइनस आया, इसका मतलब इतना दूर का टर्म और इतना दूर का टर्म ये दोनों अलग हो गया। तो कितने टर्म हैं अगर यह जानना है तो देखना होगा कि कौन कौन से हिस्से प्लस और माइनस से अलग किए गए हैं। इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं देखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई टर्म को अलग नहीं करता है, मल्टीप्लाई टर्म को आपस में जोड़ देता है, डिवाइड टर्म को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक अलग टर्म हुआ, ये पूरा ज्वाइंट हो गया, तो ये दूसरा टर्म हुआ और ये भी ज्वाइंट हो गया, ये तीसरा टर्म हुआ, यानी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म हैं। ठीक है, तो अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को जानना है तो कैसे पता लगाएंगे कि कुल कितने टर्म हैं? देखना होगा कि प्लस और माइनस से कौन कौन चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, बतलाओ 2x + 5, इसमें कितने टर्म हैं? दो टर्म हैं। प्लस इसको और इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा, यानी इसमें कितने टर्म हैं? दो टर्म हैं। अगर लिखा जाए 2x × 7, अब बताओ कितने टर्म हैं? एक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई आया है, प्लस या माइनस नहीं आया है। अगर लिखा हुआ रहे 2x + 7 × x × x / 5 − 7, तो हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब को एक टर्म में बांध देगा, है ना? यहाँ पर ये एक टर्म आपस में बंधा हुआ है और एक ये टर्म है। तो क्योंकि प्लस और माइनस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने हिस्से में बांट रहा है? तीन, इसीलिए इसमें कितने टर्म हुए? तीन हो गए हैं, है ना? अब अगर इसी में एक ब्रैकेट दे करके हम × 7 कर दें और +8 कर दें तो क्या होगा? क्योंकि ये पूरा टर्म 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, है ना? तो इसलिए अब ये पूरा एक टर्म कहलाएगा और ये दूसरा टर्म कहलाएगा, यानी अब इसमें दो टर्म हैं। हाँ, इस ब्रैकेट के अंदर में तीन अलग अलग टर्म होंगे, समझे? लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर देखा जाए तो क्योंकि इस पूरे के पूरे टर्म में 7 मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए अब बाहर से ये पूरा एक टर्म हो गया और ये अलग हो गया। समझ में आया? इसी तरीका से अगर लिखा हुआ रहे 5x + 9, तो कितने टर्म हैं? दो टर्म हैं। लेकिन अगर पूरा को हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें, पूरा को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो अब क्योंकि इस पूरे में
दो से डिवाइड कर दिया गया, तो अब ये एक टर्म हो गया, कितना टर्म हो गया, और अगर हम इसमें प्लस 7 कर देंगे तो ये भी एक टर्म है, तो एक टर्म और एक टर्म कितना हो गया, ये दो टर्म हो गया। समझ में आया? अगर मान लो एक केस और यहां पे हम लेते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+8, बताओ कितने टर्म हैं? सही है, थ्री टर्म है। और अगर लिखा हुआ रहे एक्स प्लस 2, अब बताओ कितने टर्म हैं? टू टर्म है ना। तो अगर हम डिवाइड अगर दे देंगे, तो क्योंकि पूरा ऊपर में तीन टर्म था है ना, और नीचे में दो टर्म था, लेकिन ये जो डिवीजन हुआ वो क्या हुआ, डिवीजन के कारण ये पूरा टर्म में इससे डिवाइड हम लोग देने लगे, अब ये दोनों मिल करके एक टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया? एक एक टर्म हो गया। और जैसे ही इसमें प्लस 2 या कोई और नंबर जैसे 9 करें, तो ये हो गया एक टर्म और ये हो गया एक टर्म, यानी दो टर्म हो गया। समझ में आया?